स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् अग्निरह होता देवो देवे भिरागमः देवो देवे रागम ओम शांति 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 सम्मान्य स्वामीजी महाराज मुनिगण मातृशक्ति ब्रह्मचारी गण धर्म प्रेमी सज्जनों मान्यवर उपाचार्य जी जड़ और चेतन दोनों स्थितियों में ऐसा लगता है कि परमात्मा ने दोनों की व्यवस्था करने के लिए कोई न कोई मुखिया का चुनाव अवश्य किया है परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मांड की रचना की ब्रह्मांड की रचना में भी ये सौर मंडल है पूरे के पूरे सौर मंडल का मुखिया ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य को बना दिया हो ग्रह उपग्रह उन ग्रहों उपग्रहों का मुखिया सूर्य लगता है ऐसे ही पशु पक्षियों में देखते हैं पक्षियों का झुंड होता है उस पक्षियों के झुंड में भी इकट्ठा होकर के चलते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका भी कोई मुखिया है बंदरों का झुंड देखा तो उन बंदरों के बीच में भी कोई न कोई उनका यूथपति होता है उनका मुखिया होता है हाथियों के झुंड में भी ऐसा ही सुनते हैं कि हाथियों का जब झुंड चलता है तो अपना एक मुखिया का चुनाव करके चलते हैं शरीर के अंदर परमपिता परमात्मा ने बहुत सारे अवयव दिए हैं अवयव दिए तो ऐसा लगता है कि जैसे इंद्रियों का मुखिया मन को बना दिया हो इंद्रियों का मुखिया मन को बना दिया है हर जगह ऐसा लगता है कि समूह और समूह का पति समूह पति मुखिया आगे लेकर के चलने वाला सृष्टि की स्थापना हुई मनुष्य अपना व्यवहार करने लगे व्यवहार करने लगे तो इनकी व्यवस्था कैसे हो महर्षि मनु ने संविधान लिखा और संविधान लिख करके विधान कर दिया कि इन मनुष्यों का भी एक राजा होगा एक मुखिया होगा पूरी पृथ्वी का एक मुखिया होगा और छोटे छोटे जो विभाग होंगे उन विभागों के मुखिया होंगे उनके नीचे होंगे लेकिन पूरी पृथ्वी का एक सम्राट जिसको चक्रवर्ती सम्राट कहा निश्चित रूप से बिना मुखिया के कोई भी समूह चल नहीं सकता वेद से पूछा कि जब हम अपना मुखिया चुनने लगें अपने समूह का राजा बनाने लगे, देश का राजा बनाने लगे तो किसको बनाए यजुर्वेद के अंदर परमपिता परमात्मा ने मंत्र का चयन किया और वहां राजा के लक्षण गिनाए किसी राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव करना है राजा का चुनाव करना है कुछ विशेषताएं कही भो यज्ञ रजसच नेता नियोद भी सचसे शिवा भी दिवी मूर्धानम जिह्वा मग्ने चक्रिसे हव्यवाहम यजुर्वेद का मंत्र है भो यज्ञ रजसच्च नेता हो सकता है कौन यज्ञ रजसस्य नेता यज्ञ का और रजस अर्थात राष्ट्र का देश का संसार का नेता हो सकता है नेता कौन जो आगे लेकर के चलता है आगे लेकर के जाने वाला है जो मार्ग को दिखाने वाला है मार्ग को दिखाने वाले व्यक्ति को नेता कहते हैं यज्ञ का और संसार का यज्ञ के लिए प्राचीन काल से ही परंपरा चली आई है यज्ञ होने लगता है तो उसमें प्रमुख व्यक्ति ब्रह्मा का चुनाव होता है और उस ब्रह्मा के बाद दूसरा यदि विशेष व्यक्ति यज्ञ के अंदर होता है तो यजमान होता है इन दोनों का चुनाव करना है चुनाव करना है तो और बहुत सारी विशेषताएं हो सकती हैं लेकिन केवल और केवल तीन विशेषताएं यहां मंत्र में कही हैं ऐसे ही राजसस्य संसार का देश का राष्ट्र का मुखिया चुनना है तो उसकी भी तीन विशेषताएं कही हैं यत्र नियोद भी सच से शिवा भी शिवा भी नियोध भी अर्थात जिस व्यक्ति की कल्याणकारी नीतियां हैं उस व्यक्ति को देश का राजा बनाया जा सकता है और जिस व्यक्ति की नीतियों में खोट है नीतियां कल्याणकारी नहीं है उस व्यक्ति को देश का राजा नहीं बनाया जा सकता हमारे यहां बहुत सारे राजा हुए उन राजाओं में जो वैदिक परंपरा में पले बढ़े चलते चले आए वो लगभग लगभग इस वेद के मंत्र के आधार पर पूरी की पूरी योग्यता रखते थे श्री रामचंद्र जी राजा बने थे राजा बने थे तो उनके अंदर भी ये पूरी की पूरी विशेषताएं थी यत्र नियुद्ध भी सच से शिवा भी कल्याणकारी नीतियां होती थी देश राष्ट्र की उन्नति कैसे करनी है व्यवस्था कैसे करनी है उनके पास था श्री चंद्र जी उस प्रकार के भले ही चक्रवर्ती राजा न रहे हों लेकिन प्रजा को जनता को रास्ता दिखाने वाले अवश्य थे नेता के गुण थे मुखिया के गुण थे बाद बाद में दो व्यक्ति विशेष अपने अजमेर के ही पृथ्वीराज चौहान और दूसरे जयचंद वो अजमेर से नहीं थे दोनों की महत्वाकांक्षा तो निश्चित रूप से यही थी कि दिल्ली का सम्राट बना जाए दिल्ली का सम्राट बनने के लिए योग्यता देखी जाए योग्यता देखी जाए जो प्रचार किया गया खराब भी लगेगा जयचंद के अंदर केवल और केवल एक कमी हुई थी कि उसने गौरी का साथ दे दिया अन्यथा जयचंद की दूसरी कमियां पृथ्वीराज चौहान से ज्यादा दिखाई नहीं दे रही चौहान तो लड़की को भगा करके ले आया है चौहान ने और दूसरे भी कार्य किए हैं लेकिन जयचंद बदनाम हो गया और पृथ्वीराज चौहान सम्राट बन गए पृथ्वीराज चौहान ज्यादा महान बन गए निश्चित रूप से पृथ्वीराज चौहान के अंदर योग्यता थी वीरता थी सब कुछ था लेकिन यदि कमियों को देखा जाएगा इस एक कमी को छोड़ दिया जाए और यह कमी भी क्यों पनपी यदि पृथ्वीराज चौहान वहां जाकर के नाते में तो ससुर ही था पैर पकड़ लेता पैर पकड़ करके माफी मांग लेता कि जो भूल हो चुकी है हो चुकी है अब तो संयोगिता मेरी पत्नी बन चुकी है अब तो स्वीकार कर लो हमें स्वीकार कर लो शायद जयचंद स्वीकार कर लेता और अपनी महत्वाकांक्षा को दबा करके कह देता कि जयचंद तू दिल्ली का सम्राट बन सम्राट बन तो जयचंद गौरी का साथ नहीं देता और साथ नहीं देता तो इतिहास कुछ और होता भूल तो इधर से भी हुई है नीति कल्याणकारी होती नीति कल्याणकारी होती तो जयचंद इतना बड़ा गद्दार न कहलाता और आज जो जयचंद नाम लेते ही हमारे मन मस्तिष्क में उसी का वो रूप सामने आ जाता है और हम सोचने लगते हैं कि जयचंद तो गद्दार था निश्चित रूप से इतने अंश में तो हुई है भूल लेकिन यदि कल्याणकारी नीति पृथ्वीराज चौहान की होती तो जयचंद के पास जाकर के अपनी महत्वाकांक्षा को दबा देते और उनको बना देते सम्राट सब ठीक हो सकता था लेकिन यत्र नियोद भी सच से शिवा भी जिस व्यक्ति की कल्याणकारी नीतियां होती हैं वो मुखिया बन सकता है मुखिया बनाना चाहिए राजा बन सकता है सुनने में बोल तो रहा हूं लोग सुनेंगे खराब लगेगा पृथ्वीराज चौहान की कमियां गिना दी कमियां गिनाने के लिए नहीं बैठे हैं लेकिन एक तुलनात्मक तो विचार किया जाता है तो पता लगता है कि कहीं ना कहीं भूल तो हुई है जयचंद बदनाम बहुत हो गया वीर वो भी कम नहीं था उसके पास भी सेना कम नहीं थी ताकत कम नहीं थी सारा सब कुछ उसके पास भी था लेकिन एक नीति गड़बड़ उन्होंने कर दी पृथ्वीराज चौहान की भी नीतियों में कहीं ना कहीं कमी रही है जयचंद की नीतियों में भी कमी रही है यदि जयचंद भी अपनी महत्वाकांक्षा को दबा करके गौरी का साथ नहीं देता तो इतिहास कुछ और होता और बहुत सारे राजाओं से भूले हुई भूले हुई तो परिणाम भोगना पड़ा देवी मूर्धानम दधीशे दूसरी योग्यता लिखी है जिस व्यक्ति की गर्दन दिवी द्यूलोक में हो द्यूलोक में हो द्यूलोक प्रकाशित लोक को कहते हैं और यह प्रकाशित लोक कौन सा प्रकाशित लोक आ गया वेद कुछ और संकेत कर रहा है जिस व्यक्ति की गर्दन दिवी मूर्धानम दधीशे अर्थात जिस व्यक्ति का चरित्र ठीक हो जिस व्यक्ति का आचरण व्यवहार ठीक हो उस व्यक्ति को राजा बनाया जा सकता है चरित्रहीन व्यक्ति को राजा नहीं बनाया जा सकता किसी के चरित्रहीनता छिपी रह जाती है किसी की उजागर हो जाती है यदि पता लग जाए पता लग जाए तो चरित्रहीन को राजा नहीं बना सकते चरित्र शब्द का कितना बड़ा अर्थ निकल सकता है केवल और केवल ब्रह्मचर्य से संबंध ये चरित्र शब्द रखता हो ऐसा नहीं है इस शब्द के अर्थ को बहुत सीमित कर दिया और सीमित करके हम केवल और केवल व्यभिचार आदि कर्म तक सीमित कर दिया और शरीर से संबंध रखने को इतने तक सीमित रखा ब्रह्मचर्य से संबंध रखने वाले इसी शब्द को सीमित कर दिया चरित्र शब्द बहुत बड़े अर्थ को लिए हुए हैं प्रत्येक व्यवहार तो चरित्र में आ जाता है चोरी कर रहा है चोरी करने वाला चरित्रहीन है बेईमानी करने वाला चरित्रहीन है दुष्कर्म करने वाला तो है ही है देवी मूर्धानम दधि से कह रहे हैं जिस व्यक्ति की मूर्धा गर्दन द्युलोक में हो प्रकाश लोक में हो चरित्रवान हो उस व्यक्ति को राजा बनाए चरित्रवान व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल राजा बनने के योग्य थे नीति से युक्त थे योजनाएं बनती थी अहमदाबाद के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा स्मारक बनाया है उस स्मारक को देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशेषताएं निकलती हैं और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बना रखी है उसको देखते हैं तो और उनकी विशेषताएं दिखती हैं पूरा देख करके बाहर निकलते हैं बाहर निकलने से पहले पटेल जी के कुछ वाक्य लिखे हुए हैं छोटे ही अक्षरों में बाहर निकलते समय पटेल जी के वाक्य लिखे मिलते हैं वो कहते हैं कि गांधी जी की अहिंसा उस अहिंसा को मैं नहीं अपना सकता गांधी जी की अहिंसा उनका अपना आदर्श है वो अपने आप में अच्छा मानते हैं ठीक है, है उनके उन तक सीमित रहे अच्छा है लेकिन गांधी जी को की अहिंसा को मैं नहीं स्वीकार कर सकता क्यों क्योंकि मैं उस समय जितने करोड़ लोग थे वो संख्या लिख रखी है इतने करोड़ लोगों का ट्रस्टी हो चुका हूं अर्थात विश्वास पात्र हो चुका हूं उनको धोखा नहीं दे सकता अर्थात देश की करोड़ों जनता का रक्षक में बन चुका हूं रक्षा करनी है तो गांधी जी की अहिंसा से काम नहीं चलेगा उनके अंदर योग्यता थी चरित्रवान थे लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में सत्ता चली गई जिसके चरित्र के ऊपर विश्वास नहीं था लॉर्ड माउंट माउंट बैटन की वो राजीव दीक्षित जी बहुत बोलते थे बहुत बोलते थे इस विषय में उस व्यक्ति के पास सत्ता चली गई सत्ता चली गई तो देश राष्ट्र का मुखिया जो बन सकता है दूसरी योग्यता लिखी है दिवी मूर्धानम दधीशे तीसरी योग्यता जिह्वा मग्ने चक्री से हव्यवाहम जिह्वा की बात आई है और जिह्वा से दो कार्य करते हैं एक रसास्वादन का कार्य होता है और एक बोलने का कार्य होता है रसास्वादन तो राजा के लिए अनेक व्यंजन हो ही सकते हैं लेकिन दूसरा अंश राजा के लिए विशेष रूप से कहा है जिह्वा मग्ने चक्री से हव्यवाहम अर्थात जिसकी जिह्वा जिसकी वाणी जिसके वार्ता जिसका भाषण जिसका उपदेश जिसका व्याख्यान जनता को तोड़ने वाला न हो जनता को एक करने वाला हो संगठित करने वाला हो वो राजा बन सकता है सुभाष चंद्र बोस जी जनता में व्याख्यान देते थे उनके व्याख्यान और गांधी जी के व्याख्यानों में अंतर होता था गांधी जी ने एक व्याख्यान दिया और व्याख्यान में अपील की थी कि पूर्ण स्वराज्य की कामना से असहयोग आंदोलन उन्होंने किया असहयोग आंदोलन किया तो भगत सिंह जी अपने स्वयं कुछ लेख लिखे थे उन लेखों में भगत सिंह जी की भी बात आई चंद्रशेखर जी की भी बात आई वो कह रहे हैं कि असहयोग आंदोलन हुआ तो कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज छोड़ दिया अंग्रेजी कॉलेजों में पढ़ेंगे नहीं अंग्रेजों की जो नौकरी कर रहे थे उन्होंने छोड़ दिया आजीविका छोड़ी गांधी जी के साथ आ गए और बीच में ही गांधी जी ने वो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया पूरा नहीं लेकर के गए ले, नहीं लेकर के गए तो जनता टूट गई जो कॉलेज में युवक पढ़ रहे थे उन युवकों का भविष्य क्या रहेगा आगे इसका कोई वो दिख नहीं रहा था कि आगे चल करके ये पूरे पढ़े नहीं तो करेंगे क्या जिन्होंने नौकरियां छोड़ दी थी नौकरियां छोड़ दी थी घर बैठ गए हैं उनके पास कुछ नहीं है जनता टूटती चली गई टूटती चली गई जिनके कार्य जिनकी बातें जनता को तोड़ देती हैं तोड़ देती है वो मुखिया नहीं हो सकता मुख्य व्यक्ति नहीं हो सकता और जिस व्यक्ति का आचरण जिस व्यक्ति की बातें जोड़ने वाली होती हैं जोड़ने वाली होती हैं उसको कहा है वो राजा बन सकता है सुभाष चंद्र बोस जी अपील करने लग गए थे अपील चल रही थी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और इस अपील को तथाकथित अहिंसावादियों ने तो कहा था कि ये हिंसा पर उतारू हो गए हैं हिंसा पर उतारू हो गए लेकिन जो जनता थी जनता ने बहुत सहयोग दिया और बहुत उनका आगे बढ़कर के आए कि हम खून देंगे तुम मुझ हमें आज़ादी दे दो और जिस समय बाबू सुभाष चंद्र बोस का भाषण होता था नौजवान युवक खड़े हो जाते थे और खड़े होकर के बाबू सुभाष चंद्र बोस की पीठ के पीछे आ जाते और कहते कि हम आपके साथ हैं आपके साथ हैं जो कार्य हमसे लेना हो ले लीजिए उस समय के दो दल बने एक दल जिसको हम गर्म दल कहते हैं दूसरा दल नरम दल बना और बहुत सारे लोग ये प्रचार करते हैं कि गर्म दल और नरम दल दोनों के दोनों स्वामी दयानंद जी से प्रभावित थे निश्चित रूप से जो गर्म दल था वो तो स्वामी दयानंद जी से प्रभावित था गर्म दल की स्थापना कहां से हुई श्याम जी कृष्ण वर्मा स्वामी दयानंद जी के संपर्क में आए संस्कृत के विद्वान थे संस्कृत के विद्वान थे स्वामी दयानंद जी के संपर्क में आए स्वामी दयानंद जी ने उनको उपदेश दिया निर्देश दिया और इंग्लैंड जाने के लिए कहा कि श्याम जी आप वहां जाओ और वहां जाकर के हमारे भारतीयों को इकट्ठा करो भारतीयता क्या उपदेश दिया है और वहां जाकर के क्रांतिकारियों को इकट्ठा करने की बात कही थी श्यामजी कृष्ण वर्मा वहां गए हैं प्रोफेसर बने हैं पढ़ा रहे थे और साथ साथ उन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी इंडिया हाउस की स्थापना की स्वामी दयानंद जी का लगातार संपर्क था पत्र लिखते थे श्याम जी कृष्ण वर्मा को श्याम जी कृष्ण वर्मा स्वामी दयानंद जी को वापस उत्तर देते थे वहां गुजरात के अंदर मांडवी स्थान है मांडवी शायद उनका जन्म स्थान वहां जाकर के देखेंगे तो मोदी जी ने एक और बहुत अच्छा कार्य किया जी कृष्ण वर्मा का स्मारक बनाया है जैसा इंग्लैंड के अंदर इंडिया हाउस था जो का त्यों उसी आकृति में वहां मांडवी में उनका स्मारक बनाया और उनकी अस्थियां जो थी वहां रखी हुई थी इंग्लैंड में कोई लेकर के आने वाला नहीं था नरेंद्र मोदी जी उनकी अस्थियां गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब लेकर के आए इतने वर्षों तक उनकी अस्थियां भी वहीं पड़ी हुई थी हमारे भारत सरकार जो भी बनी उस समय किसी को चेतना नहीं थी कि उनकी अस्थियां भी लेकर के आ जाएं वहां जाएंगे तो अलग अलग दीर्घाएं बनाई हुई हैं एक दीर्घा पूरी की पूरी स्वामी दयानंद जी और श्याम जी कृष्ण वर्मा के लिए है स्वामी दयानंद जी का बहुत ही सुंदर स्टैचू लगा रखा है उन्होंने स्टैचू लगा हुआ है और दीवार पर स्वामी दयानंद जी के हस्तलेख पत्र जो हैं वो पत्र लगा रखे हैं उसके साथ साथ जी कृष्ण वर्मा का उत्तर सारे के सारे पत्रों की प्रदर्शनी बहुत ही सुंदर ढंग से दिखा रखी है और वहाँ पूरी तरह से दिखाया कि श्यामजी कृष्ण वर्मा स्वामी दयानंद जी के शिष्य थे और उन्हीं के अनुसार कार्य कर रहे थे श्यामजी कृष्ण वर्मा के संपर्क में आए स्वातंत्र वीर सावरकर जी सावरकर जी संपर्क में आए संपर्क में आए तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस के पूरा का पूरा अधिकार सावरकर जी को दे दिया था अब श्रृंखला चल गई है गर्म दल की गर्म दल कहाँ से चला है ऋषि दयानंद जी फिर श्याम जी कृष्ण वर्मा श्याम जी कृष्ण वर्मा के बाद सावरकर आ गए हैं और सावरकर से जुड़ते चले गए ढींगरा जुड़े हैं और बहुत सारे क्रांतिकारी जुड़े और जुड़े तो यहाँ दूसरे लोगों ने ज, जो जो स्वामी दयानंद जी के से प्रभावित हुए हैं चाहे भगत सिंह का परिवार हो चाहे चंद्रशेखर जी हो और पूरे के पूरे रामप्रसाद बिस्मिल तो कहते हैं है, कट्टर आर्य समाजी, और निश्चित रूप से थे ये पूरा का पूरा गर्म दल ऋषि दयानंद जी से प्रभावित था प्रभावित था बहुत सारा कार्य किया अब नरम दल की बात करें नरम दल की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि गोखले गोखले ऋषि दयानंद जी से प्रभावित थे और गोखले से प्रभावित गांधी जी थे गांधी जी से प्रभावित दूसरे लोग रहे होंगे नरम दल वाले लेकिन ऐसा नहीं है गांधी जी गुरु मानते थे प्रचार किया गोखले को और गोखले किसको गुरु मानते थे प्रचार किया ऋषि दयानंद जी को लेकिन गलत प्रचार किया हमारे बहुत ही योग्य विद्वान कुशल देव जी शास्त्री उन्होंने पुस्तक लिखी हुई है ऋषि दयानंद जी का जो महाराष्ट्रीय कार्य था उस पूरे के पूरे महाराष्ट्र के ऊपर जो कार्य ऋषि दयानंद जी का हुआ और आरिसमाज का हुआ वो पूरी पुस्तक उन्होंने लिख रखी है घोड़मल प्रहलाद कुमार प्रकाशक हैं उन्होंने छापी है उसमें दिखाया गया है कि जिस समय पूना में ऋषि दयानंद जी के प्रवचन हुए लगभग 50 या 60 प्रवचन हुए थे 50-60 प्रवचनों में 35 प्रवचन स्वामी दयानंद जी के छावनी में हुए कुछ प्रवचन इधर उधर छोटी छोटी जगह हुए और पंद्रह प्रवचन जो प्रमुख रूप से हमारे बीच में उपलब्ध हैं भिड़े के बारे में जिसको उपदेश मंजरी नाम से पूना प्रवचन नाम से पुस्तक छपी ऋषि दयानंद जी ने पूना प्रवचन दिए उसी बीच एक शोभा यात्रा ऋषि दयानंद जी की निकालनी थी महादेव गोविंद राणाडे उस समय के जस्टिस थे न्यायमूर्ति थे उन्होंने स्वामी दयानंद जी को पूना में बुलाया था और उनके व्याख्यान करवाए थे उनकी भी इच्छा थी और एक गंगाराम महस के नाम के व्यक्ति थे आज भी उनका घर है और उनके पूर्व वंशज भी वहाँ हैं कभी देखने जाते हैं तो वे बड़े प्रसन्न होते हैं गंगाराम महस के पौत्र हैं शायद अभी वहां उनके घर को देखने जाते हैं बड़ा सा हॉल है वहां स्वामी दयानंद जी का व्याख्यान हुआ था वो प्रसन्न होते हैं कि हमारे यहाँ लोग आते हैं ऋषि दयानंद जी आए थे कभी गंगाराम महस्के ने उस शोभा यात्रा की व्यवस्था की थी व्यवस्था की बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकालनी थी हाथी भी रखे गए बहुत बड़ा जन समूह था ऋषि दयानंद जी को कहा था महाराज आप हाथी के ऊपर विराजमान हो आप हाथी पर बैठें आपकी शोभा यात्रा निकालेंगे पूरी व्यवस्था हो गई है ऋषि दयानंद जी हाथी के ऊपर नहीं बैठे कहने लगे हम नहीं बैठेंगे और भक्तों के साथ साथ पैदल ही चले थे निरा अभिमानी अभिमान का लेस न था कितने अभिमानी किसी ने कहा था कि आप तो बहुत बड़े ऋषि हैं बहुत बड़े ऋषि हैं उस समय निराभिमानी स्वामी दयानंद जी क्या कहते हैं कहने लगे कि यदि मैं कपिल और कणाद के समय होता कपिल कणाद के समय में होता तो मैं साधारण विद्वानों की गिनती में होता मुझे तो इस समय आप लोगों ने ऋषि बना दिया वो वो उनकी सरलता थी विनम्रता थी भक्तों के साथ साथ पैदल चले थे जिस गोखले की बात हम कर रहे हैं गोखले गुरु मानते थे चिपलोणकर शास्त्री नाम के एक व्यक्ति थे चिपलोणकर शास्त्री को गोखले गुरु मानते थे और ये चिपलोणकर शास्त्री ऋषि दयानंद जी का घोर विरोधी घोर विरोधी पूना में जब ऋषि दयानंद जी के प्रवचन होते थे तो चिपलोणकर शास्त्री का एक अखबार निकलता था उस अखबार के अंदर स्वामी दयानंद जी की निंदा ही निंदा लिखते थे लेकिन एक लेख चिपलोणकर शास्त्री ने विशेष लिखा था और उस विशेष लेख में निंदा करते करते भी चिपलोणकर शास्त्री को भी ऋषि दयानंद जी की प्रशंसा करनी पड़ी उकन, उनकी वक्तृत्व शैली की उनकी राष्ट्रभक्ति की आदि आदि वो लेख उस किताब में छपा हुआ है माने कुशलदेव शास्त्री जी ने जो किताब लिखी उस किताब में वो लेख मिलेगा अब यात्रा ऋषि दयानंद जी की निकलनी थी कर शास्त्री जल भुन गया है कि स्वामी दयानंद जी की यात्रा निकले जल भुन करके उसने गर्धवानंद यात्रा निकाली कुछ गुंडों को इकट्ठा किया गुंडों को इकट्ठा करके गर्धवानंद नाम से यात्रा निकाली एक गधे को लिया गधे के ऊपर एक व्यक्ति को बैठाया जिस व्यक्ति का मुंह काला कर रखा था जूतों की माला डाल रखी थी और उस व्यक्ति को संज्ञा दी ये दयानंद है दयानंद है गर्धवानंद की जय हो नकली दयानंद की जय हो ऐसी कुछ जयकारे बोले जा रहे थे बिज्जतियां हो रही थी बीच बीच में गधे के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को जूते भी पड़ जाते थे जूते पड़ जाते थे उपद्रव करने के लिए तैयार थे गंगाराम महस्के ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी कि वो उपद्रवी उपद्रव नहीं कर सके ये शोभा यात्रा कौन निकालने वाला था जिसको नरम दल से जोड़ा गया गोखले गोखले का गुरु चिपलोणकर शास्त्री और चिपलोणकर शास्त्री को जोड़ा था ऋषि दयानंद जी से कि उनके भक्त थे उनके भक्त नहीं थे घोर विरोधी थे घोर विरोधी थे जिस समय स्वामी दयानंद जी चल रहे थे और भक्तों ने देखा था कि उपद्रवी गधे के ऊपर किसी व्यक्ति को बैठाए हुए हैं बैठाए हुए है और दयानंद कह रहे हैं काला मुंह कर का रखा है भक्तों ने कहा कि स्वामी जी महाराज देखो क्या कर रहे अच्छा नहीं लग रहा उनको सबक सिखा देवे सबक सिखा देवे स्वामी दयानंद जी कहने लगे कि ना बताओ असली दयानंद किसके साथ है स्वामी जी महाराज असली तो आप ही और असली हमारे साथ हैं उनके साथ कौन है उनके साथ तो नकली है नकली दयानंद है तो स्वामी दयानंद जी ने कहा नकली दयानंद का वही हाल होना चाहिए नहीं होना चाहिए नकली दयानंद के तो मुंह काला भी हो सकता है जूतों की माला भी पड़ सकती है लेकिन असली दयानंद तो तुम्हारे साथ चल रहा है स्वामी दयानंद जी वो गर्म दल और नरम दल की बात चलती थी ग, गर्म दल में जितने भी व्यक्ति थे उन व्यक्तियों का चरित्र देखते हैं चरित्र उनका दिव्य मूर्धानम दधी से चरित्रवान व्यक्ति दिखते हैं और नरम दल की यदि खोज करते हैं उसमें नेहरू जी हों या स्वयं जो प्रमुख थे उस नर्म दल के उस व्यक्ति की बात कहें अथवा दूसरे लोग हों कहीं न कहीं चरित्र में कहीं न कहीं बातों में कहीं ना कहीं नीतियों में उनके खोट दिखाई देता है और खोट दिखाई देता है मुखिया बनने के लायक न थे मंत्र में कहा भू यज्ञस्य रजसस्य नेता यत्र नियोद भी सचसे शिवा भी जिस व्यक्ति की नीतियां कल्याणकारी हों देवी मूर्धानम दधी से जिस व्यक्ति का चरित्र ठीक हो जिह्वा मग्ने चक्री से हव्यवाहम जिसकी जिह्वा जिसकी वाणी जिसकी बातें एक करने वाली हो, तोड़ने वाली न हो वो मुखिया बन सकता है वो राजा बन सकता है और ऐसा राजा प्रजा का कल्याण करने में सिद्ध होता है वाणी को विराम ओम शम धन्यवाद